आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कैसी चल रही है आप सभी लोगों की शरद पूर्णिमा की तैयारी, जो कि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में वैसे तो 17 अक्टूबर को है और कुछ जगहों पे 16 अक्टूबर को है। तो हमारी तो तैयारी स्टार्ट हो गई है और वैसे भी आज है नवरात्रि का पहला दिन, 3 अक्टूबर है और हमने आज लाडू को देखी शैलपुत्री का आज है, तो हमने वाइट पहनाया था। वैसे पहनाना तो येलो चाहिए था लेकिन मैंने वाइट पहनाया, मतलब ज़्यादा सुंदर लगेगा। और वैसे ही माता शैलपुत्री व्हाइट कलर का ही पोशाक धारण करती हैं, तो उस भाव में मैंने धारण करवाया था। और ये देखिए हमारी तैयारी होनी स्टार्ट हो गई है शरद पूर्णिमा की। तो जो पहला पार्सल आया है शरद पूर्णिमा का, वो आया है ज्वेलरी का, जो कि हमने तीनों जन के लिए बनवाई है श्री जी की कृपा से। उन्होंने जैसा भाव बताया हमें उस हिसाब से हमने प्रयास किया है बनाने का। मैं इनकी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। सीमा जी के वहाँ से हमने मंगवाया था। इससे पहले भी हमने सारे ज्वेलरी, अभी हमने जो क्या बोलते हैं जन्माष्टमी राधा अष्टमी जितनी भी ज्वेलरी हमने मंगवाई थी सीमा जी के पास से ही मंगवाई थी, आपको इसके पहले के ब्लॉग्स में दिख जाएंगे सब। तो चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है। सब वाइट कलर का ही पहनेंगे ना, शरद पूर्णिमा के दिन वाइट कलर का पोशाक धारण करते हैं, वाइट कलर की ज्वेलरी धारण करते हैं, भोग भी वाइट कलर का होता है, सब श्रृंगार वाइट कलर का होता है। तो पिछली बार तो क्या हो गया था 2023 में मेरे ख्याल से सूर्य ग्रहण लगा था, तो 12 बजे तक हमने शरद पूर्णिमा का जो तैयारी करनी थी वो करके या फिर हमने शयन करवा दिया था नंद बाबू को। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो इस बार करेंगे अच्छे से। हाँ, मेरे को लगा डब्बा अच्छा आया लेकिन डब्बा भी टूटा हुआ है। तो पार्सल कभी अच्छे से पहुंच नहीं पाता है कभी कभी, बहुत ही मेहनत के बाद हमारे ये पार्सल ये खुला है। चलिए दिखा देते हैं अभी, ये देखिए सुंदर सा। अभी इसमें चेक करना पड़ेगा किसका क्या। ओह कुंज, वाओ कुंज, नाम लिखवाओ नाम। हाँ बहुत अच्छे, ये लॉन्ग हार, ये मेरे ख्याल से मांग टीका, एक ये है। अब किसका किसका क्या क्या है ये नहीं पता है मुझे। इसमें इयररिंग और नोज पिन है, मैं एक एक करके दिखा दूँगी अभी। और ये कंगन, वो ये क्या है इतना सारा, तीनों जन के आए हैं। मुझे लग रहा है ये तो कुंज का आया है, पक्का ये कुंज का है। देखो कुंज अपने लिए भी बनवाया है, कुंज ना दीदी से पता नहीं क्या बात कर लेते हैं सबसे अपने आप, और सब अपने अपने हिसाब से बना देती हैं, और मैंने कुंज का बोला ही नहीं था। ये हमारी गुड़िया रानी का है ना, सुंदर सा एकदम, मुझे इसका ये बहुत पसंद आया, देखा चमकता हुआ ये। और ये हमारे प्यारे से नंद बाबू का देखिए, है ना सुंदर सा। और ये रहा, ये देखते हैं, ये रहा ये हमारी गुड़िया रानी का चंद्रिका, वो सुंदर है देखो, है ना वाइट वाला। ये मोरपंख कलिंगी जो होती है ना, कलगी बोलते हैं, मैं कलिंगी क्यों बोलती हूँ पता नहीं कहाँ से सीख के आई हूँ मैं भी, है पता नहीं उल्टा पुलटा। अरे ये तो रहा, ये देखो सुंदर सा एक ये वाला, अच्छा है ना ये, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। दोनों जन के लिए है, जिसको जो मन करेगा अपना पहन लेंगे। ये तो बहुत सुंदर आया है, ऐसा ही लगेगा बड़ा सा देखो, है ना। चलो ये हो गया, अब मैं आपको जरा ये वाला देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखो भाई कुंज ने अपनी पूरी सेटिंग कर ली थी और दीदी से बोल के देखिए अपने 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 कुंडल भी बनवा लिया है। अब ये देखो इयररिंग पहनेंगे कुंज बाबू, बल्कि कभी हम नहीं पहना थे लेकिन दीदी से पता नहीं क्या बात कर ली है और दीदी ने इनके लिए कंगन भी बना दिया और कानों के कुंडल भी बना दिए। और ये हमारे गुड़िया रानी के और ये हमारे नंद बाबू के, दोनों के सेम। और ये हमारी गुड़िया रानी का नोज पिन देखो वाइट कलर का, बहुत सुंदर सा। तो अब आया है तो चलिए पहना के भी देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि किसका क्या है। श्री हरिवंश, तो आज है नवमी यानी नवरात्रि का 9th डे और आज का जो कलर है वो है पर्पल। तो बड़े एडजस्ट करके हमने सबको पोशाक पहना दिया है और फाइनली आज आ गया है। ये रहा हमारा बहुत सुंदर सा पार्सल, सुंदर तो नहीं लेकिन पार्सल है। और आ गया है शरद पूर्णिमा का पोशाक, जो कि हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, मुझे ये डर था कहीं टाइम पर नहीं पहुँचा। तो चलिए फटाफट ओपन करते हैं क्योंकि हमारी तो ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। ज्वेलरी तो आपने देख ही ली, सुंदर वाली बनी है। अब हम ये नहीं, इसमें एक और भी चीज़ है जो मैं सरप्राइज रखूँगी, जो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी। तो अच्छा हुआ नहीं दिखाना तो मैं चुपके से खोलूँगी, पहले ड्रेस निकाल के फिर बताऊँगी, नहीं तो मालूम पड़ा सरप्राइज़ देख लिया तो आप लोगों ने, फिर सरप्राइज़ का क्या मतलब रहेगा। तो रुको मैं पहले ओपन करके फिर बताती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए आ गया ये हमारा शरद पूर्णिमा का पोशाक, क्योंकि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में
दो दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। एक तो जो 17 तारीख को हम मनाएंगे, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में 17 तारीख को शरद पूर्णिमा मन रही है, और बाकी सारी जगहों पे जो राधा वल्लभ संप्रदाय से नहीं है उन सारी जगहों पे शायद 16 तारीख को मनाई जा रही है। तो आप कोई संप्रदाय से नहीं है तो जो वैदिक कैलेंडर होता है जो 16 तारीख को मनाई जाएगी, जहाँ सब लोग मना रहे उस दिन आप मनाइए। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो 17 तारीख को मनाएगी और 19 तारीख को मनाएगी। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में 17 तारीख को बहुत उत्साह के साथ शरद पूर्णिमा नहीं मनाया जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल मनाया जाता है, पोशाक पोशाक धारण करवाया जाता है, पर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ नहीं मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो महाप्रभु हैं, हरिवंश महाप्रभु हैं, वो नित्य वृंदावन में प्रवेश कर गए थे। यानी कि ये वृंदावन जो साक्षात है यहाँ पे ही, ये वृंदावन को छोड़ के नित्य वृंदावन यानी कि हमारे श्री जी और उनकी सेवा में चले गए थे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ नहीं मनाते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं। पोशाक धारण कराएंगे, पद गायन होगा, भोग सेवा होगी। उसके बाद जो द्वितीय शरद पूर्णिमा आती है यानी कि जो 19 तारीख को होगी, उस दिन भी हम श्वेतांबर यानी कि व्हाइट कलर का वस्त्र धारण कराएंगे, लाल कलर की पगड़ी धारण करवाते हैं उस दिन, और उस दिन भी भोग सेवा, उस दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग शरद पूर्णिमा मनाएंगे 19 तारीख को द्वितीय। तो 17 और 19 ये दो दिन मनाया जाएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम पहना के देखते हैं कि ये वस्त्र कैसा लगेगा। पहले दिखा देती हूँ, देखो ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर के लिए आया है छोटू सा। पगड़ी दीदी देना भूल गई हैं, कोई बात नहीं है, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। और ये देखिए हमारे लाडो का कितना सुंदर सा है ऊपर का ब्लाउज, एकदम डिज़ाइन वाला। लाडो हमारे फुल एक्सपेरिमेंट करवा रही हैं। और ये स्कर्ट आप देख रहे हैं सुंदर सी लेस के साथ है, मुझे बहुत पसंद आया है ये। और ये है दुपट्टा सुंदर सा। और ये हमारे प्यारे से नंद बाबू का, ये उनका पैंट, ये उनका छोटा सा जो पगड़ी है वो, ये हमारे कुंज का, ये देखिए कुंज का ऊपर का, कुंज का ज़्यादा डिज़ाइन सुंदर लगता है ना, क्योंकि बड़े हैं ना थोड़े से। और ये तो ये वाला हो गया, हम पहना देंगे ये 17 तारीख को, और ये पहनाएंगे हम 19 तारीख को। तो ये कुर्ता हमने थोड़ा सा ढीला वाला सिलवाया है, क्योंकि लाल कलर की पगड़ी होनी चाहिए, पग धारण करते हैं राधा वल्लभ लालजू, लाल कलर का पग धारण करते हैं 19 तारीख को, तो हमें बस लाल कलर का नहीं था, तो मतलब कोई बात नहीं, थोड़ा सा फूल यहाँ पर रहेगा तो अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से कुछ अलग कर दिया है। ये पैंट ये वाला ये वाला, और ये हमारे नंद बाबू का, ये ऊपर का फ्रॉक ये नंद बाबू का, ये हमारे प्यारे से नंदिनी का, ये दुपट्टा, और इसका ब्लाउज देखो फिर से कुछ यूनिक। हमारी लाडो फुल एक्सपेरिमेंट कर रही है पोशाक में, देखो चलिए फटाफट पहनाते हैं। तो ये देखिए सुंदर सा पोशाक आया है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। पहले तो ब्लाउज में देख लो कितना प्यारा लग रहा है, ये मुझे सुंदर लगा। और ये कुछ इस तरीके से है, दिख रहा है ओवरऑल। अभी तो ज्वेलरी तो आपने देखी, वो तो बाद में हम पहनाएंगे। और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसे रखूँगी गुड़िया रानी को इस तरीके से, ये है ना, पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे को था कि दुपट्टे में थोड़ा सा लेस पट्टी अलग सी लगी है तो थोड़ा सा ऐसे रखा जाए वैसे भी। और ये रहे हमारे प्यारे से कुंज, हाय कुंज, अच्छे लग रहे हैं ना, पैंट वैंट एकदम मस्त, झालर वालर लगा के बढ़िया सा, इसी में तो श्याम सुंदर का आप लोगों ने देख ही लिया था। और ये देख ऐसे गुड़िया रानी को थोड़ी सी मेहनत करके देखनी पड़ेगी आप लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन। और ये कुछ इस तरीके से लेस लगाया था हमने, दीदी को बोल के लगवाया था। और ये छोटा वाला फ्रॉक इनका, पैंट, तो ये हम पहले दिन पहनाने वाले हैं 17 को, मेरा ऐसा भाव भाव क्या, आप तो 17 के लिए आए तो 17 को ही पहनाएंगे, अब भाव भाव क्या होता है तो ये हम 17 को पहनाएंगे। अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं फटाफट कि दूसरा वाला कैसा है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, चलिए सेकंड वन ट्राई करते हैं। श्री हरिवंश, तो ये देखिए सुंदर सा ये पोशाक, ये देखो तब मस्त लग रहा है ना, ये गुड़िया रानी का ये वाला फ्रॉक देखो, ये ब्लाउज में ये सुंदर सी डिज़ाइन। और ये हमने सोचा कि नंद बाबू पहनते हैं ना वैसा पहनेंगे, दोनों सेम सेम लगेंगे, ये देखो है ना सुंदर सा। और ये फूल हमने रेड कलर का थोड़ा बनवा दिया था, मिला कि वैसे तो मैं ये वाला पगड़ी नहीं पहनाने वाली हूँ नंद बाबू को, मैं नंद बाबू को दूसरी पगड़ी पहनाऊँगी जो रेड और वाइट कलर की मिक्स है मेरे पास है वो। और ये देखिए आप सबके फेवरेट कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हो, नहीं सुंदर है ना, अच्छे नहीं लग रहे सच बता रहा हूँ, मैं सोचा कि थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना, तो ऊपर रेड कलर का फूल भी दे दिया,
थोड़ा सुंदर लगेगा, एक जैसा नहीं होना चाहिए वैसे भी। और ये रहा, अब देखो मैं अभी तो ये आया है टोटल सेटअप, ठीक है। इसका मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा ना, सुंदर मटेरियल, बहुत हल्का भी है और हमने कोई अस्तर वस्त्र भी नहीं लगाया है कि हर मौसम में पहन सके वैसा वाला। अब मेरा कोई भरोसा नहीं है कि अब इनको मैं रेड कलर की पगड़ी लगाऊंगी, उसके ऊपर कुछ करेंगे। देखो अभी ये जैसा जैसा दिमाग में लाएंगे भाव, वैसा वैसा हम इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये इस तरीके से हमारा है। तो ये हम 19 तारीख को पहनाएंगे और जो पहला वाला आपने देखा था वो हम 17 तारीख को पहनाएंगे, ठीक है। ये दो तीज हो गई और दोनों दिन अगर आप राधा वल्लभ, देखिए मैं राधा वल्लभ संप्रदाय का बता रही हूँ, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होना। दोनों दिन आपको भोग लगाना है, दोनों दिन आपको श्रृंगार करना है, सब कुछ है, बट ये है कि 17 तारीख को बहुत हर्ष उल्लास के साथ नहीं मनाया जाएगा और 19 तारीख को आपको जैसा मन करे उस हिसाब से आप मनाओ, उसकी कोई आपत्ति नहीं है। अब इनकी इंस्टाग्राम की आईडी जो है माधवा गोपिका क्रिएशंस, आपने देखा ही होगा इसके पहले भी सारे ब्लॉग्स में हमने उनके पास से मंगवाया है। उनकी इंस्टाग्राम की आईडी या व्हाट्सएप नंबर जो भी होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, और अगर नहीं दे पाऊँगी तो इसके बाद के, इसके पहले के भी कुछ वीडियोस होंगे वहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा, तो आप वहाँ से बुक करना चाहो तो कर सकते हो। और एक और पोशाक आया है जो कि मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि वो सरप्राइज़ है, इस व्लॉग के बाद आएगा वो व्लॉग जिसके अंदर हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और वो पोशाक भी आया है लेकिन मैंने जैसा कहा उसका एक अलग से व्लॉग बनेगा, अलग से एक्साइटमेंट होगी, आप लोग गेस करते रहना कमेंट में, बता देना मुझे ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग का जो गेस है वो अच्छा चल रहा है। तो ये हो गया पोशाक। अब इसकी जो ज्वेलरी है वो मेरे को देखनी पड़ेगी कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँगी क्या है, बहुत सर में दर्द हो गया है, जैसा होगा आपको बताया जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। श्री हरिवंश।